लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या लोकसभा के चुनाव 2024 से पहले पहले ही करा लिए जाएंगे? इस बात की आशंका काफी प्रबल होती जा रही है, क्योंकि 23 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता भी परखी जाएगी और दूसरी तरफ 23 जून से पहले जिस बात की आशंका जताई जा रही है, क्या वो भी घटित होने वाला है? बंगाल से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसा जाएगा, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव पर भी जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ चलेगा? क्या दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तमाम ऐसे सवालों के बीच इस बात की भी चर्चा काफी तेज होने लगी है, क्या प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव बहुत जल्द कराना चाहते हैं? 2024 से पहले पहले बीजेपी इस बनते बिगड़ते माहौल के बीच अपनी सियासी जमीन तलाशना चाहती है। चुनावी राजनीति में हार का मतलब है कि आप आम राजनीति में भी हार जाएंगे, और मोदी जी इस वक्त उस स्थिति में नहीं खड़े नजर आते हैं जहां वो हार पचा सके। दरअसल ताबड़तोड़ झटका इन्हें अब राज्यवार चुनावों में भी लगने लगा है। ऊपर से विपक्षी दलों की एकता भी इन्हें खटकने लगी है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो ऐसे सियासी समीकरण बन रहे हैं, चुनावी गणित बैठ रहे हैं, जिसमें बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल बनाम कांग्रेस, इन सब के फॉर्मूले को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पता चलेगा कि विपक्षी एकजुटता का कितना भयंकर प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने जा रहा है। 23 जून को पटना में जिन जिन दलों की बैठक होगी उसमें ममता बनर्जी का भी नाम शामिल है। नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी मेजबानी करेंगे, लेकिन यहां पर जो भी दल सामने आ रहे हैं उसमें कुछ खटका तो जरूर है, क्योंकि ये अगर एकजुट हो गए तो बीजेपी की नींदें उड़ ही सकती हैं। ऐसे में यह चर्चा बहुत तेज हो गई है कि अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन भेजा गया है, उन्हें 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं, लैंड्स फॉर जॉब स्कैम तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुजराती ठग के मामले में या कई ऐसे मानहानि का केस भी तेजस्वी यादव पर डाल दिया गया है, उन सब पर भी सुनवाई चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 23 जून से पहले पहले कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो विपक्षी एकता में दरार पड़ने की संभावना है, क्योंकि जांच एजेंसियों के दबाव के सहारे मोदी सरकार कई बार अपने नफे और नुकसान की सियासत में नफा देख पाई है। जैसे कि केसीआर को लेकर विपक्षी एकता में एक राय नहीं है, केसीआर दबाव में नजर आने लगे हैं। जो केसीआर देश भर में घूम घूम कर विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे थे, अब वो बैकफुट पर इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि जांच एजेंसियों का शिकंजा उनकी बेटी पर पड़ चुका है। अब ऐसे में कविता के लिए मुश्किलें हैं तो केसीआर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि 23 जून को जो जो दल वहां मौजूद रहेंगे उसमें केसीआर उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल जो लिस्ट सामने आए हैं वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को होगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को बताया कि जो बैठक पहले 12 जून को होनी थी वो 23 जून को होगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सब की सहमति से बैठक की तारीख 23 जून तय हुई। बैठक में लेफ्ट के नेता भी बैठक में शामिल होंगे, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल हैं। अगर विपक्ष एक राय बना लेता है, जैसे कि 1-to-1 फाइट की बात हम हमेशा करते हैं कि अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा कर दे बीजेपी के खिलाफ, एक ही उम्मीदवार, बाकी वोट काटने वाले नहीं खड़े हों, तो बीजेपी के लिए राहें बहुत कठिन हो जाएंगी। जो चुनावी वोट के आंकड़े हैं, जब बीजेपी को 37% वोट 2019 में हासिल हुए थे, बावजूद इसके कांग्रेस से अगर तुलना की गई तो वोट शेयर में जितने का फर्क था, वो अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो वो फर्क भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें तो होंगी। तेजस्वी यादव का मानना है कि जैसे कर्नाटक में बड़ी हार हुई है, इसके बाद अब बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा की भी है, यहां पर भी मुश्किलें आएंगी। बिहार में मुश्किलें आएंगी
और महाराष्ट्र में भी मुश्किलें आएंगी। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में है नहीं, और राजस्थान में कांग्रेस के साथ जो दिक्कतें थी और क्षेत्रीय दल की सहमति के बाद कांग्रेस की एकजुटता और भी मजबूत हो जाएगी। सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई भी वहां सिमट चुकी है, यह काम खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में संघ खुद जानता है कि अब भाजपा वहां आने से रही, जो 4-5 महीने पहले तक 103 सीट पा रही थी भाजपा, वह अब 55 सीटों पर आकर सिमट गई है। तो मध्य प्रदेश की भी राहें आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संघर्ष कर रही है, क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के नब्ज को टटोलने में सफलता पाए हैं, वहां से भी राहें कठिन हो गई है बीजेपी के लिए। दक्षिण भारत से जड़ें लगभग खत्म होती जा रही हैं, तो बीजेपी को वहां भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। खास करके अगर हरियाणा की बात करें, वहां 10 लोकसभा सीटें हैं और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। ऐसे में जो चौटाला ग्रुप है वो एकजुट हो जाए और बीजेपी को दरकिनार कर दे, तो फिर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब होती दिखाई पड़ती है। लेकिन 2019 के चुनावी गणित को भी समझने की कोशिश करनी है हम लोगों को, वहां से 2024 के भविष्य को तय करने की कोशिश करेंगे। क्या बताया गया है, बहुत ही शानदार विश्लेषण नवभारत टाइम्स ने आंकड़ों के आधार पर किया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा यह तय मानिए कि अगर विपक्षी एकजुटता में दरार डालना है तो मोदी सरकार ये दो बड़े फैसले ले सकती है, अभिषेक बनर्जी और तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा गया विपक्ष में दरार पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने का मैसेज है कि बीजेपी की हार। लेकिन इससे पहले विपक्षी एकजुटता फाइनल होने से पहले अगर मोदी जी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दें तो फिर यहां बीजेपी के लिए बात बन सकती है, अगर जांच एजेंसियों का भी खेल किया गया तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को कैसे नुकसान हो सकता है, इसे समझना है तो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए नवभारत टाइम्स ने क्या आंकड़े जुटाए हैं। सबसे पहले तो आप देखिए बीजेपी बनाम कांग्रेस में 161 सीटें हैं। अब यहां पर कैसे खेल हो रहा है, 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 161 लोकसभा सीट शामिल है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मुख्य मुकाबला देखने को मिला था। 147 सीटें ऐसी जहां दोनों के बीच सीधा मुकाबला था, वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखे थे, 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य शामिल हैं। यहां बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली है, कांग्रेस को 9 और अन्य खाते में 5 सीट गई थी। यह फॉर्मूला है कि अगर बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने की बात करें और क्षेत्रीय दल को भी देखें तो अंक गणित वही बैठ रहा है। यहां पर कांग्रेस के लिए इस बार स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ती है। दूसरे पार्ट को देखें तो बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल 198 सीटें, यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 5 राज्यों की 198 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी और रीजनल पार्टी के बीच ही मुकाबला रहा था। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 116 सीटों पर, कांग्रेस 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली थी। यह हो गया आपको दूसरा पॉइंट, बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल, यहां 198 सीटों पर लड़ाई होगी। हालांकि नीतीश कुमार का मानना है कि सिर्फ 100 सीटों पर अगर हम बीजेपी को हरा दें साझी विपक्षी एकजुटता के दम पर तो बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। उसमें बिहार भी होगा, उसमें महाराष्ट्र भी होगा, ये दो राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। झारखंड की भी ताकत मिल सकती है, छत्तीसगढ़ की ताकत मिल सकती है, राजस्थान की ताकत मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ दो ही राज्य को देख लेना, दो ही राज्य में तो 100 सीटें हो जाती हैं। लेकिन यहां पर आपको आगे बढ़ना होगा, आगे इसलिए बढ़ना होगा उत्तर प्रदेश को समेटना होगा। उत्तर प्रदेश को अगर एकजुट कर लेते हैं तो फिर मामला बीजेपी के लिए काफी कठिन हो चलेगा। खैर, यहां पर क्षेत्रीय दलों की लड़ाई अगर कांग्रेस की लड़ाई ना बने तो स्थिति बदल सकती है, इसलिए कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय दल 25 सीटें हैं, उसे भी जरा समझना पड़ेगा। 2019 के हिसाब से हम तुलना कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। यहां बीजेपी लड़ाई में भी नहीं दिखी, केरल की केवल 1 सीट थी जहां बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था, यहां 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं
अन्य को 8 सीटें मिली। अब देखिए जो स्पेयर सीट है ये तो आपने देख लिया कि कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय बदल की स्थिति जो है सबको सीटवार समझने की कोशिश की गई है। चौथा पॉइंट देखिए कि कोई मार सकता है बाजी, ऐसी सीटें 93 हैं। यहां बताया गया है 6 राज्य ऐसे हैं जहां की 93 सीटों पर सबके बीच मुकाबला देखा गया। 93 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सभी मजबूत नजर आए। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के साथ में है। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 40, अन्य को 41 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब ऐसे में जो स्टेट पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उनका दबदबा है। ऐसी 66 सीटें लोकसभा में मालूम पड़ती हैं, जो कि साउथ में आप ज्यादातर देख सकते हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम या सिक्किम को आप देख सकते हैं। तो ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर दबदबा है स्टेट पार्टी का। लेकिन अब आपको यहां यह समझना होगा कि मोदी सरकार इन आंकड़ों का विश्लेषण कर चुकी होगी, उन्हें पता है विपक्षी एकजुटता का मतलब है बड़े स्तर पर झटके को झेलना, और वो कतई इस पोजीशन में बीजेपी आना नहीं चाहती है। क्या इस वजह से जांच एजेंसियों के साथ मिलकर बीजेपी विपक्ष के नेताओं को अब तोड़ने की कोशिश करेगी और 2024 से पहले ही लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव के आसपास, क्या ऐसी परिस्थिति बनती अब दिखाई पड़ रही है, तय कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।